देखिए बेटा, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 6.4 करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको अभी तक 4 चैप्टर करवा चुकी हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और 6.1 करवा चुकी हूँ, 2 करवा चुकी हूँ और 3 करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे 6.4। और बेटा, मैंने अपने चैनल पे जो 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी डाल रखी है, मैंने उसकी 3 वीडियो बना चुकी हूँ अभी तक, और वो तीनों ही वीडियो 8th के, 9th के लिए और 10th के लिए, तीनों क्लासेज के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस है। इसलिए जो बच्चे मेरे 9th क्लास वाले वीडियो देखते हैं, वो 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी के तीनों पार्ट्स को ज़रूर देखें, ठीक है? ओके, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट, प्रूव करना है, प्रूव डैट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ले ली इधर और एक लाइन ले ली इधर। अब ये दोनों लाइनें बेटा क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, और हमें प्रूव करना है कि हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल बताइए क्या है, 1 और 3, 2 एंड 4। देखिए, अब लिखने का तरीका कैसा होगा एग्जाम में, इसको एल नाम दे देना और इसको एम नाम दे देना। तो अब देखिए बेटा, हमारे पास गिवन क्या है, देखिए गिवन क्या है हमारे पास, कौन कौन सी लाइन पर इंटरसेक्ट करती है, एल। देखिए एल, मैं क्या लिखूँगी, एल इंटरसेक्ट एट एल एन एम इंटरसेक्ट, एल एन एम इंटरसेक्ट एट, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम ओ। क्या नाम दे देते हैं, ओ। इंटरसेक्ट हो गई, इंटरसेक्ट का मतलब काटना, एक पॉइंट पर कट कर रही है। अब मुझे बताइए क्या एंगल 1 और 2, देखिए एक लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, 1 और 2, एक सीधी लाइन बन गई, तो ये 180 क्यों है, लीनियर पेयर, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब बताइए 2 और 3 मिलकर भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, देखो ऐसे सीधी लाइन बन रही है, तो 2 और 3 इक्वल टू सेकेंड, ये भी क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। मुझे बताइए राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं लिखूँगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, तो 1 प्लस 2 का जोड़ किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 2 प्लस 3 के। मुझे बताइए क्या 2 से 2 कट सकता है, इक्वल टू में कट सकता है, तो आपके पास क्या आ गया, 1 बराबर 3 आ गया। अब देखिए 1 और 3 कैसे एंगल है, खिड़की खोली सामने दिखाई दिया है ना, कैसे एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सिमिलरली देखो, अब सेकेंड को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हैं हम, सिमिलरली एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, हैंस प्रूव। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी एंड एक्सटीरियर एंगल ए सी डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट पी टी पे, और हमें प्रूव करना है एंगल बी टी सी बराबर है हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। देखिए बेटा, ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रही हूँ, वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम, ठीक है? उसमें आपके पास डायग्राम दे रखा है, इसमें हम डायग्राम खुद बनाएंगे। देखिए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ऑफ एंड एक्सटीरियर एंगल ए सी डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए जिसका नाम क्या देंगे हम, ए बी सी, हो गया। अब देखो ए सी डी, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, देखो बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी, सबसे पहले इंटीरियर एंगल बी बनाइए, इसका बाइसेक्टर ऐसे गया, और जो ए सी डी एंगल को मीट किस पे कर रहा है, टी पॉइंट पे, ए सी डी, तो यहाँ बनेगा टी डी, सॉरी डी बनेगा यहाँ पे, और हमें प्रूव करना एंगल बी टी सी, बी टी सी में बीच का पॉइंट क्या है बेटा, टी, तो इसका मुझे प्रूव करना एंगल टी बराबर है हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी में बीच का पॉइंट क्या है, ए, ए कहाँ पे बन रहा है, बी ए सी मतलब एंगल ए का, ये हमें प्रूव करना है ना। तो देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन देखिए बाइसेक्टर है हमारे पास, एक तरीके से दो बाइसेक्टर हैं, एक तो एंगल बी का और एक एंगल ए सी डी का, दोनों के बाइसेक्टर आपस में कहाँ पे मीट कर गए, टी पॉइंट पे। देखिए गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2, और क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं, 3 और 4, इसलिए एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, ओके। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल टी किसका आधा है, एंगल ए का प्रूव करना है। अब देखिए हम प्रूफ कैसे लिखेंगे, मुझे एक बात बताइए, जो एंगल बाहर होता है, मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल का जोड़ सामने के दो एंगल के क्या होता है, इक्वल। तो सबसे पहले बी टी सी ट्राइंगल में देखिए, मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल बी टी सी में, इन ट्राइंगल बी टी सी, बी टी सी में बाहर कौन सा एंगल है,
फोर देखिए बेटा, एंगल बीटीसी, देखिए ट्रायंगल बीटीसी में कौन सा एंगल बाहर है, चार, तो मैं लिखूंगी एंगल चार बराबर क्या आएगा, एंगल चार के सामने देखो ये तीन तो साथ में बन रहा है, तो एंगल चार के सामने क्या है, एक तो टू और एक टी। देखिए हमें अंदर नहीं जाना है ट्रायंगल के, हमें देखना है बी टी सी, सिर्फ हमारा फोकस ओनली बी टी सी पे होना चाहिए। इसके बाहर क्या बन रहा है साथ में, चार, और इसके साथ वाला है ये तो एंगल, तो इसके सामने कौन हो गया टी और ये टू, आपको इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल टू प्लस एंगल टी, किसका जोड़ा, एंगल टू प्लस एंगल टी का, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हमें देखना है ए बी सी ट्राइंगल में, मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा क्यों आए बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल है इसलिए। अब देखिए ए बी सी में बाहर कौन रह गया, ये पूरा पूरा कौन सा है, तीन और चार, तो एंगल तीन प्लस एंगल चार किसके बराबर आएगा बेटा, अब देखिए तीन और चार के साथ ये वाला एंगल तो साथ में बन रहा है, ट्राइंगल के अंदर कौन सा एंगल, ए और एंगल बी, और एंगल बी किन दो का जोड़ है, वन और टू का, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी, पहले स्टेप में तो ये लिख लीजिए, फिर एंगल ए, बी की वैल्यू क्या लिखूँ मैं, एंगल वन प्लस एंगल टू लिख दिया। अब देखिए हमारे पास रिलेशन देखिए चार और दो का है, इसका मतलब ना तो हमें तीन का कोई काम है और ना ही मुझे एंगल वन का कोई काम है, तो एंगल तीन की जगह मैं पुट कर देती हूँ चार, चार प्लस चार, एंगल ए प्लस वन का कोई काम नहीं है तो उसकी जगह पुट कर देती हूँ दो प्लस दो, वाई, क्योंकि एंगल वन बराबर एंगल दो के और एंगल तीन बराबर है एंगल चार के, लिख दिया। अब मुझे बताइए एंगल फोर प्लस फोर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल फोर, कितना हो गया बेटा, ये होगा ट्वाइस ऑफ एंगल फोर, ट्वाइस ऑफ एंगल फोर, और वो क्या था बेटा एंगल, देखिए उसमें एंगल ए प्लस में, देखिए एंगल ए प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल दो, ये क्या लिखा जाएगा, एंगल ए, एंगल ए प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल दो, और एंगल चार की वैल्यू देखिए, एंगल चार की वैल्यू है टू प्लस टी, दो गुना में एंगल चार की वैल्यू क्या है, एंगल टू प्लस एंगल टी, लिख दी, बराबर है एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल दो। मुझे बताइए दो को एंगल दो से गुना करूँगी तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल दो प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल टी प्लस में एंगल ए प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल दो, देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल दो से ट्वाइस ऑफ एंगल दो कैंसिल, और एक दो इधर आके क्या बन जाएगा हाफ, तो एंगल टी क्या आ गया बेटा, हमारे पास एंगल टी क्या आ गया, हाफ ऑफ एंगल ए, यही हमें प्रूव करना था, हैंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइंस को, देखिए ये ट्रांसवर्सल ए बी है और एक सी डी है, ये दो पैरेलल लाइन है, उसको ट्रांसवर्सल कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, एल कर रहा है, और आगे हमें क्या दे रखा है बेटा, प्रूव करना है बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सो फॉर्म्ड आर पैरेलल, देखिए ये एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ऊपर और ये भी एक क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर जा रहा है तो इसका मतलब एंगल वन बराबर क्या है एंगल टू के, और इसका बाइसेक्टर जा रहा है तो एंगल तीन बराबर एंगल चार के, गिवन है ना, तो गिवन क्या है बेटा हमें, एक तो हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और एंगल वन बराबर एंगल दो के और एंगल तीन बराबर एंगल चार के, वाई, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हो गए। ओके अब मुझे क्या प्रूव करना है, ये दोनों पैरेलल है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव करना है कि ये जो बाइसेक्टर हैं वो पैरेलल है, बाइसेक्टर्स के हम नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम दे देती हूँ पी और क्यू, इसका नाम दे देती हूँ बेटा आर और एस, ताकि हमें प्रूव करने में आसानी हो, मैं प्रूव कर देती हूँ पी क्यू पैरेलल है आर एस के। ओके ये हमें प्रूव करना है, अब देखिए प्रूफ के अंदर, ओके मुझे बताइए क्या ए बी पैरेलल है सी डी के, क्या ये हमें गिवन, तो क्या पूरा एंगल, देखिए वन और टू का जोड़ मिलकर है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल वन और टू का जोड़ किसके बराबर होगा, एंगल तीन प्लस चार के, वाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कैसे एंगल है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कैसे बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। मुझे बताइए बाइसेक्टर के अंदर पैरेलल वाला क्या आएगा, टू, और इधर क्या आएगा, देखिए अब ये देखिए जैसे ये है पैरेलल, ये पैरेलल है ना, तो इसके ऊपर वाला कौन सा आएगा, वन, ऊपर तो वन आएगा ना, और इसके ऊपर क्या आएगा थ्री, इसका मतलब वन और तीन का रिलेशन क्या दिखाना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, तो मतलब जहाँ पे वन है मतलब टू का कोई काम नहीं और फोर का कोई काम नहीं, हमें नहीं है ना, तो मैं क्या लिखूँगी एंगल वन, टू की जगह भी क्या पुट कर दूँगी एंगल वन, थ्री, फोर की जगह भी क्या पुट कर दूँगी एंगल थ्री,
क्यों? क्योंकि 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। तो मुझे बताइए क्या ये ट्वाइस ऑफ एंगल बना, और ये क्या ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बना। 2 से 2 कैंसिल, एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 3 के। बट दीज आर, कैसे एंगल है बेटा, बट दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। इससे मैं क्या कह सकती हूँ, पी क्यू पैरेलल किसकी हो गई, आर एस के, हैंस प्रूव। देखिए बेटा पूरा आपको क्वेश्चन दिखेगा यहाँ से, ओके। नेक्स्ट देखिए, देखिए इस एक्सरसाइज में ओनली 7 ही क्वेश्चन है, हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए प्रूव करना है, प्रूव डैट थ्रू ए गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली 1 परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। देखिए हमें प्रूव करना है थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से केवल हम ओनली 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए एल एक लाइन है, मैं मान लेती हूँ गिवन क्या है, एल इज अ लाइन, ये गिवन है, और हमें प्रूव करना है इस पर केवल एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। और गिवन पॉइंट क्या है, पी। गिवन पॉइंट क्या हो गया बेटा, गिवन पॉइंट हो गया पी, ठीक है। अब देखिए पी से एक परपेंडिकुलर डाला मैंने, ऐसे डाला ना, और एन लाइन परपेंडिकुलर किस पे है, एल पे, और एम लाइन परपेंडिकुलर है किस पे, एल पे, ये हमने ड्रॉ कर दी, ये गिवन है। और टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है, ओनली 1 परपेंडिकुलर एग्जिस्ट, ओनली 1 परपेंडिकुलर एग्जिस्ट, ये प्रूव करना है। अब देखिए बेटा प्रूफ में, देखिए आपके बुक में थोड़ा सा प्रूफ आपको हार्ड लगेगा, मैं ईजिएस्ट वे में ही आपको समझाऊंगी, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे बताइए, जैसे ये एक ट्राइंगल सी बन गई, इसका नाम पी ए बी दे दिया, एक ट्राइंगल में तीन एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। मुझे बताइए यहाँ पे तो एंगल ए और एंगल बी प्लस एंगल बी, मतलब 90 प्लस 90 को ही जोड़ के 180 बन गया। इसका मतलब एंगल जो पी है, थर्ड एंगल, इसका मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री। तो मुझे एक बात बताइए, क्या एक ट्राइंगल में 0 डिग्री एंगल पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, देखिए बेटा इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, हम इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल। तो हम लिखेंगे सो देयर इज ओनली 1 परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट, थ्रू ए गिवन पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, प्रूव डैट टू लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए हमें क्या रखा है, 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू द टू इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए बेटा मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन क्या ले रखी है, देखो ये डी पॉइंट को देखो, इसका मतलब एम लाइन और एल लाइन क्या है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास एल एंड एम इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट किस पे कर रही है बेटा, एट डी पे कर रही है। और हमें प्रूव क्या करना है, डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, और हमें प्रूव करना है टू परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, और इसके ऊपर क्या गिर रही है बेटा, प्रूव डैट द लाइंस आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब 2 लाइनें क्या है, अब परपेंडिकुलर हैं, 2 लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, और प्रूव करना है 2 लाइंस आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। 2 लाइनें परपेंडिकुलर फॉर्म कर रही है, जैसे एन परपेंडिकुलर किस पे है बेटा, एम पे। देखिए बेटा मुझे बताइए अब, हाँ एन परपेंडिकुलर किस पे है, यहाँ पे एम पे। देखिए एन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एम पे, अच्छा। और ये देखिए पी परपेंडिकुलर किस पे है, एल पे, पी परपेंडिकुलर किस पे है, एल पे। अब हमें क्या दिखाना है, जब ये दोनों लाइनें मिलती हैं तो वो इंटरसेक्ट करती है, बताइए क्या ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कर रही है ना, इस पॉइंट को मैं ई नाम दे सकती हूँ ना, कर रही है यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो देखिए इंटरसेक्ट कर रही है ना हमारे पास, तो हमें इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। मुझे बताइए ये एक लीनियर पेयर तो नहीं बना, लेकिन ये कैसी फॉर्म हो जाएंगी, ये पैरेलल लाइन टाइप में आएंगी बेटा, क्या आएंगी, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, तो ये एक तरीके का क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटर सा फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो रहा है, एक क्वाड्रिलेटर, तो क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रहा है। और आपको जानते हैं एक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट वो सभी एंगल का जोड़ कितना होता है, 360,
क्या होता है बेटा, सभी एक क्वाड्रिलेटर में सभी एंगल का जोड़ 360। तो 360 आ गया, तो क्वाड्रिलेटर में सभी लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो प्रूव करना था दो लाइंस परपेंडिकुलर है किसी इंटरसेक्टिंग लाइन पे और वे एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो देखो 90 90, 180 यहाँ बना दिया, बाकी दो का जोड़ भी 180 आएगा, तो 360 डिग्री एंगल हो गया। इससे हम क्या कह सकते हैं, ये क्वाड्रिलेटर है। मैं जैसे लिखूँगी, लिखने का तरीका हम ये भी लिख सकते हैं, वरना हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज ए क्वाड्रिलेटर, देयर इज ए क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रहा है और टू लाइंस क्या करती हैं बेटा, इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उससे भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, प्रूव डैट ए ट्राइंगल मस्ट हैव एटलीस्ट टू एक्यूट एंगल। देखिए हमें प्रूव करना है दो एक ट्राइंगल है उसमें कम से कम दो एक्यूट एंगल तो होने ही चाहिए। तो मैं इसमें बेटा केस लेके चलूँगी, मैं केस फेस फर्स्ट मान लेती हूँ, दोनों एंगल कितने 90 डिग्री। जैसे मैं एक ट्राइंगल सी फॉर्म करती हूँ, मान लीजिए ए बी सी, एंगल ए और एंगल बी मान लेती हूँ दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री। अब बताइए एक ट्राइंगल में तीन एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। ए भी 90 का है, बी भी 90 का, इसका मतलब एंगल सी कितने का आ जाएगा, देखिए ये 180, तो एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 में से 180 गया 0, तो क्या ये पॉसिबल है, मैं लिखूँगी नॉट पॉसिबल। ओके, अब केस सेकंड क्या लिखूँगी, व्हेन टू एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, 90 से 180 के बीच का। मान लीजिए दो एंगल ऑब्ट्यूज हैं, मैं मान लेती हूँ 100 डिग्री के दो एंगल, कितने हैं 100 डिग्री। मुझे बताइए वही सेम ले सकते हैं, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी का जोड़ कितना होता है, 180। अभी होता है, लेकिन यहाँ पे तो लेट मान लेते हैं एंगल ए और एंगल बी दोनों 100 के हैं, तो 100 में बी जोड़ा, जैसे 100 जोड़ा और एंगल सी बराबर कितना आ गया, 180। तो ये एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 में से 200 गया, तो कितना आ गया, -20। पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। केस नंबर थर्ड क्या है, वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री है तो पॉसिबल है ही। देखिए जैसे एक एंगल मान लो ये 90 आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो एक ट्राइंगल में तीन एंगल का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 हो गया। ए कितने का, बी ए हमारे नहीं दे रखा, बी हमारे पास 90 है, प्लस एंगल सी बराबर 180। यहाँ से एंगल ए और एंगल सी का जोड़ा गया 180 में से 90 गया 90, तो इन दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता है, तो कैसे एंगल होते हैं वो, एक्यूट एंगल्स, तो ये पॉसिबल है। क्या लिखूँगी मैं इसको, पॉसिबल है। आगे वैन टू एंगल्स आर एक्यूट, तो दो एंगल एक्यूट यही केस है, या हम मान लेते हैं एक एंगल ए मान लेते हैं 50 का, एंगल बी मान लेते हैं 35 का, मान लिया, तो एक ट्रायंगल में तीन एंगल का जोड़ कितना होता है बेटा, 180। ए 50 है, बी 35 है, सी निकाल लीजिए 5 5 और 3 8, एंगल सी बराबर 180, एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से 85 गया, कितने हो गए बेटा, 95। तो ये पॉसिबल है ना, तो यस पॉसिबल। ओके, तो ये हो गया हमारी थ्योरम का प्रूफ। देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ठीक है, इसके बाद हमारी ये 6.4 कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आए बेटा, तो आप कमेंट में करके उस क्वेश्चन को बता सकते हैं, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अकेले उस क्वेश्चन की ही वीडियो बना दूंगी जो आपको समझ नहीं आया। ओके, देखिए एंगल क्यू बड़ा है एंगल आर से, ये एंगल क्यू किससे बड़ा है, एंगल आर से, और पी ए ये जो बाइसेक्टर एंगल क्यू पी आर का, क्यू पी आर का बाइसेक्टर कौन है, पी ए, पी ए बाइसेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का बराबर, देखो पी ए बीच में जा रहा है ना, इसकी वजह से इधर का और इधर का क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। और आगे क्या रखा है, पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, प्रूव करना एंगल ए पी एम बराबर है हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। देखिए बेटा ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी मेरे को थोड़ी तबीयत अपनी ठीक नहीं लग रही है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल भी है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बस एक ही क्वेश्चन की मैं वीडियो डालूंगी आपके लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।